हेलो, तेरा बर्थडे खत्म हो चुका है भाई। मैं जानता हूँ तेरा बर्थडे खत्म हो गया, लेकिन ये क्लैपिंग तेरे बर्थडे के लिए नहीं है। जो तेरे खाने का शौक है ना, ये हमारे बिजनेस में भी काम आ रहा है, उसके लिए। अरे मतलब कल तूने मुझे बात बोली थी ना कि बिजनेस में बड़ी मछली को खाना चाहिए, तभी तुम बड़े मछली बनते हो। सेम थिंग, मुझे ये नहीं पता था यार तू शार्क बनने की कोशिश में, यू नो लाइक बिग जायंट शार्क। यार तू सुबह सुबह पी के आया क्या? साफ साफ बोला क्या कह रहा है? अरे सीधी सीधी बात इतनी है कि जिस तरह हमने कल मिस्टर शेट्टी की कंपनी का टेक ओवर किया ना, सब डरने लगे हैं तुझसे। अरे हम एक और कंपनी टेक ओवर करना चाहते थे ना, वो मिस्टर कोहली की, तो आज सुबह खुद उनका मुझे फोन आया, कहने लगे कोई नेगोशिएशन की जरूरत नहीं है, जो भी टर्म्स हम उन्हें देंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। इज़न्ट दैट अनबिलीवेबल? सब डर रहे हैं यार तुझसे। जैसे तूने सिंघानिया को खत्म किया है ना, इट्स अमेजिंग। व्हाटएवर। एक मिनट, क्या कर रहे है तू? क्या कर रहा मतलब? तेरे को ये नहीं खाना ना, यू नॉट सपोज टू ईट इट। कौन कहता है? अबे तेरा पेट देखना कितना मोटा होता जा रहा है यार, तू छोड़े पराठे वराठे। मेरा पेट है तो फिर मैं जानता हूँ ना कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप कुछ चिंता कर रहे हो, लेकिन जल्दी खा जो भी खा रहा है। हमें इसके बाद वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, और वो साइट यहाँ से बहुत दूर है। मैंने कितनी बार तुझसे कहा है कि दूर वाले प्रोजेक्ट्स मेरे पास मत लाया कर। गलती हो गई यार, मुझे नहीं पता था कि उस साइट के प्रमोटर को ये बता देना चाहिए था कि राम इतनी दूर नहीं आ सकते, इसलिए हमारे ऑफिस के आसपास ही अपनी कोई प्रोजेक्ट शुरू करो ना। हाँ अगली बार बता दूंगा। ठीक है चल। चल नहीं, वहां तू अकेले ही जा रहे हैं, मैं रस्ते में ऑफिस उतर रहा हूँ, और आज मैं हाफ डे ही काम कर रहा हूँ। क्यों? क्यों मतलब क्या? मेरे को हाफ डे ऑफ चाहिए यार। तू कभी फुल डे काम करता भी है? ओए मैं फुल डे तब काम करता हूँ जब तू बाद छुट्टियों पे जाता है। अगर तू छुट्टी पे नहीं है तो हाफ डे तू काम करेगा, हाफ डे में, समझा? नहीं सर मुझे याद है, लेकिन वो मैंने सोचा पहले रास्ते से मैं वो ट्रैवल ऑफिस से टिकट्स कलेक्ट कर लूं, उसके बाद फाइल लेके ऑफिस आ जाऊं। सर थोड़ी सी देर हो जाएगी, बट आई विल बी देयर। ओके थैंक यू। मेरी बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। पीयू पीयू लिसन, हम बाद में जा सकते हैं। पीयू प्लीज। क्या वहां से ऐसे क्यों आ गई? तो क्या करती वहां बैठकर तुम्हारे फालतू के रीजन सुनती? Could you do this, Sammy? तुमने ये इवेंट बिना मुझसे पूछे कैंसिल कर दिया? तू यार इवेंट के प्रिपरेशन आधे हुए हैं, ओके? You agree with me? ऐसे ही चले जाएंगे, सब हंसेंगे हमारे ऊपर। I don't care. तुम्हारे इस इवेंट की वजह से मेरा ट्रिप कैंसिल हो गया। Calm down. जो सीएम कहाँ पे खड़े हैं, ओके? अरे यार ट्रिप कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। अगर बाद में चले भी जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तीन महीने से यही सुनती आ रही हूँ मैं। हर बार जब भी मैं कोई ट्रिप प्लान करती हूँ ना, तो तुम किसी ना किसी एक्सक्यूज से उसे कैंसिल कर देते हो। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। Listen, I have work, which is very important. मेरा काम है, जिसको वक्त देना है यार, please understand. Work important है? मैं important नहीं हूँ तुम्हारे लिए? पीहू ऐसा किसने कब कहा यार? खाना तुम्हारे साथ में खाता हूँ, काम तुम्हारे साथ में, इनफैक्ट पार्टीज में भी तुम्हारे साथ में होता हूँ, और क्या करूँ मैं? That is it. एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ये सब कुछ करे तो उतना काफी है। Sammy, what about our personal space? You don't start this again. Don't start this. Okay? ऑलरेडी इतना ज्यादा कर चुका हूँ हमारे लिए यार। जानती मैंने जब तुमसे शादी के लिए हाँ की थी, किस मेंटल स्टेज में की थी, राइट? लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सुहानी थी। कौन यार, डोंट डू दिस टू मी। तुम मुझे किसी और चीज के लिए फोर्स कैसे कर सकती हो यार? फोर्स? फोर्स कर रही हूँ मैं तुम्हें? हम हस्बैंड वाइफ है सैमी, वी आर मैरिड, पर मुझे लगता नहीं तुम्हें शादी का मतलब भी पता है, वरना एक ही छत के नीचे स्ट्रेंजर्स की तरह नहीं रह रहे होते। इट्स बीन 3 months सैमी, और इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं है। डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर ऑन योर पार्ट? आई डोंट नो, नॉट डू आई वांट टू, जस्ट प्लीज लीव मी अलोन। जिस बात का मुझे डर था वही हो। सैमी और पीहू एक दूसरे के साथ खुश नहीं। मिस्टर कपूर ने पीहू की जिद मानकर एक तरह से पीहू की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं आगे क्या होगा। एक कार्ड बाहर मिला, सोचा आपको दे दूं। बस कर यार, कभी कहता ये मत कर, कभी कहता वो मत कर। तू मेरा दोस्त है, मेरी बीवी है। दोस्त हूँ इसीलिए इतनी चिक चिक कर रहा हूँ।
यार तंग आ गया मैं डबल ड्यूटी कर कर के, ऑफिस में तेरा ख्याल रखो और घर पे भी आके तेरा ख्याल रखो, होना चाहिए ना तेरे पास कोई तेरा ख्याल रखने के लिए। मैं दूसरी शादी कर लूं। दूसरी शादी मतलब? सीरियस यार, कम ऑन, डोंट टेल मी यार। यस आई डोंट नीड इट। मेरा मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तेरी छुट्टियां भी बंद करनी पड़ेगी। नेहा के साथ ज्यादा टाइम जो स्पेंड कर रहा है ना, तू औरत बन रहा है धीरे धीरे। कुछ भी तो बोलता है। खुश हाल देख मेरे बेटे का यार, वो मेरा बेटा है, उसके पास सब कुछ मिल सकता है। लुक एट व्हाट ही इज डूइंग यार, पैसे के लिए प्रिया की वजह से उसका ये हाल है। माय गॉड, नेवर गोना फक यू यार। अच्छा हुआ प्रियांजल ने हमें बचपन में ही बस से जाने की आदत डाल दी थी, इसलिए अब मुश्किल नहीं होती बस में ट्रैवल करने से। अब ये बस स्टॉप। अरे प्रिया मैम आप यहाँ, बाकी सब तो पार्किंग एरिया में। हाँ मैंने देखा सब लोग ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। क्या बात है, कोई भी ऑफिस में नहीं है, इस तरह प्रॉब्लम? धरना दे रहे हैं, हमारी कंपनी को किसी और ने टेक ओवर कर लिया। क्या? हाँ कोई ऋषि करके है। लो एक ऋषि कम था हमारे ऑफिस में, जो ये दूसरा ऋषि भी आ गया। And you know what? उसने आते क्या बॉम्ब फोड़ा है? क्या? कॉस्ट कट डाउन करने के लिए वो आधे से ज्यादा वर्कर्स को बिना नोटिस ये निकाल रहा है। अरे ऐसे कैसे निकाल सकता है? That's unfair. Exactly. तभी तो हम सब उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तुम भी चलो। नहीं नहीं एक मिनट गाइस, ये प्रोटेस्ट धरना ये सब लास्ट स्टेप होना चाहिए ना, पहले उससे बात करने की तो कोशिश करनी चाहिए हमें। हो सकता है वो बात करके हमारी प्रॉब्लम समझ जाए और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आए। वो नहीं होने वाला, हमने सुना है वो आदमी बहुत अकड़ू है। अरे ऐसे सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, एक बार उन्हें आने तो दो, बात करके देखते हैं ना फिर। बातों से बात नहीं बनेगी यहाँ, वो हमारे साथ गलत कर रहा है। We should teach him a lesson. इतनी तोड़फोड़ करेंगे कि उल्टे पैर भाग जाएगा वो यहाँ से। एक मिनट, ये तोड़फोड़ वायलेंस ये इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, इससे हम अपना ही नुकसान करेंगे, उस नए बॉस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं सुरभि मैम ने कहा है कि हम कोई वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ना कोई तोड़फोड़ करेंगे, हम शांति से काम करेंगे और शांति से धरना देंगे। तो मैम आप इस धरने में हमारे साथ हो ना? अरे हाँ मैं तो सबके साथ ही हूँ, लेकिन माधवी मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए, हमें शांति से बात करनी चाहिए। इस तरह हम धरना स्ट्राइक ये सब करेंगे ना तो बात और बिगड़ जाएगी। तो बिगड़ने देना, एंड वी नो तू एफिशिएंट वर्कर है, तुझे तो कोई नहीं निकालेगा, लेकिन हम सब मारे जाएंगे। You have to support us. पर यार ये तो Yes ma'am. Come on ma'am, you have to support us. हाँ चलिए ma'am. अरे come on. अच्छा एक मिनट मैं फाइल तो रख। नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. प्रिया come in front. नहीं नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ, वैसे भी मुझे ये protest ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम बस हमारे साथ चलो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अरे
सुधरोगी प्रिया, तुम कभी बदल सकती ही नहीं। ए, हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, जाने दो सबको। ये तो राम कपूर है, ऋषि किसने बोला? अरे ये तो राम कपूर है, एक के बाद एक सारी कंपनियां टेक ओवर कर चुके हैं। हमारी कंपनी खरीद कर हम लोगों का नया मालिक बन गया। बोला था मैंने इन लोगों को इस प्रोटेस्ट में कुछ नहीं रखा है, खामखा मिस्टर कपूर को चोट लग गई ना। मैं कमिंग सर। सर, सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी सी देरी क्या हो गई, ये सब कुछ नहीं होता सर अगर मैं टाइम पे पहुंच जाता सर। सर आई रियली आई एम सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैं हर एक के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट करूंगा, आप सिर्फ देखते जाइए, सबको लाइन से खड़ा कर दूंगा सर। सर प्लीज आप टेंशन मत लीजिए सर, आई एम रियली सॉरी सर। पहले तो डाउट था कि बॉस मुझे आउट करेगा, अब तो 100% पक्का हो गया। मुझे ये जॉब की बहुत जरूरत है, मेरा घर ही इसी से चलता है। मेरा भी। अरे यहाँ तो हम सबकी यही हालत है। मना किया था ना मैंने तुम लोगों को, क्या जरूरत थी ये प्रोटेस्ट करने की, लग गई ना मिस्टर कपूर को। बॉस को, नए बॉस को लग गई ना चोट बेकार में, बात बनने की जगह और बिगड़ गई। और तुम तो कह रही थी कि कोई वायलेंस नहीं होगा, शांति से प्रोटेस्ट करेंगे, ये शांति है? आई डोंट बिलीव दिस यार, ऐसे प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी? ये सब कुछ ना टीवी पे ही अच्छा लगता है, या फिर दूर से बैठ के देखो तो वैसे कुछ भी हासिल नहीं होता। हद है, मतलब कोई इंसान पहली बार ऑफिस में आया और तुम सब लोग उसकी कार पे ऐसे चढ़ गए जैसे कि अब भुगतो। आई थिंक प्रिया मैम इज राइट, लेट्स से सॉरी। ओके प्रिया, प्लीज जाओ ना, बॉस को सॉरी बोल दो ना। सॉरी? मैं क्यों सॉरी बोलूंगी, मैंने क्या किया है? मैं तो उल्टा तुम सब लोगों को रोक रही थी, मैं क्यों सॉरी बोलूंगी? वी नो मैम, बट आप हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप सिचुएशन हैंडल कर सकती हैं। हम बॉस के पास जाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और उन्होंने आपको नोटिस भी किया है, आप तो बिल्कुल उनके सामने थी, मे बी उनको लगा हो कि चोट आपके कारण लगी हो। मेरे कारण? अरे लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मे बी ऐसा लगा हो, आप सॉरी बोलेंगी तो बेटर होगा। उनको ऐसा लगा होगा इसलिए मैं जाके सॉरी बोल दूं? जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं क्यों बोलूं सॉरी? देखो मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाली, वैसे भी कोई और होता तो एक बार मैं सॉरी बोलने का सोच भी लेती, उनसे सॉरी बोलना इम्पॉसिबल। मतलब तुम उन्हें जानती हो? मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत गुस्से वाले हैं और बिना बात के किसी को भी कुछ भी सुना देते हैं, डांटने लगते हैं, तो फॉरगेट अबाउट इट, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, और बिना गलती के तो बिल्कुल भी नहीं। Not fair. यहाँ बैठकर अकेले अकेले कॉफी पी रहे, इतनी बोरिंग भी नहीं हूं। Okay, fine. मैं अब गुस्सा नहीं हूं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, यू टेक योर ओन टाइम। मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम्हें जरूर रियलाइज होगा दैट वी आर मेड फॉर ईच अदर, और मैं उस दिन का वेट करूंगी नो मैटर कितना टाइम लगे। और वैसे तुम ठीक ही कहते हो, ट्रिप तो कभी भी प्लान हो जाएगा, इनफैक्ट अब हम कोई भी ट्रिप तब प्लान करेंगे जब तुम चाहो, ठीक है? तो स्माइल कर दो। मैं क्या कोई मशीन हूं क्या यार, जो तुम मुझे कहोगे मैं वैसा ही करूं? ए बाबा गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो मैंने कान भी पकड़ लिए, अब कुछ नहीं बोलूं पक्का।
पीहू। चौके यहाँ से कहीं और चले, मेरा दम घुट रहा है, मैं बिल पे करके आता। आपका बीपी एकदम नॉर्मल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपकी मेडिसिन मैं लिख दूंगी, 3 दिन तक आप वो कंटिन्यू करो, लेकिन 3 दिन के बाद फॉलोअप जरूर करो। की लीजिए और 3 दिन के बाद याद से दोबारा दिखाइएगा। मैम आपकी फीस कितनी? आप रिसेप्शन पे दे दीजिए। अब तुम्हें क्या हुआ, ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि लोगों का दिल अच्छा होता है इसलिए वो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने के बाद उनका दिल अच्छा हो जाता है। ओहो, तो आज एक्टर साहब फिलोसोफर बन गए। ऐसा साउंड किया क्या? बिल्कुल, एंड तुम तो इनबॉर्न फिलोसोफर हो ना? वो तो मैं। तुमने कुछ छुपाया? कुछ नहीं। तुमने कुछ छुपाया? नहीं नहीं। क्या है तुम्हारे हाथ? अरे मैं ऐसे हाथ रखने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। सच्ची, कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। कुछ दिखाओ ना। अरे देयर इज नथिंग। कुछ, यू आर हाइडिंग समथिंग। नो आई एम नॉट। कुछ दिखाओ ना। कुछ नहीं है, सच्ची बता रहा हूं, कुछ भी नहीं। पैम्फलेट्स क्यों किया ये? कुछ हमने डिसाइड किया था ना कि हम क्लिनिक के प्रमोशन के लिए ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। डॉक साहिबा, पैसे वेस्ट करना नहीं, पैसे इन्वेस्ट करना कहते हैं। अगर प्रमोशंस नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ क्लिनिक खुला है? कुछ जब हम अच्छा काम करेंगे ना तो हमारी प्रमोशंस अपने आप हो जाएंगी। इस बारे में मुझसे बहस मत करो यार डॉक्टर। कुछ मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि प्रमोशंस कितने इंपॉर्टेंट है। पता है बड़े बड़े एक्टर्स अपनी फिल्म प्रमोट करते ताकि उनकी फिल्म हिट हो जाए। अगर आज मेरा प्रमोशन हुआ होता ना तो मैं आज स्टार होता। तुम अपनी सड़ी हुई बातों में मुझे फंसाओ मत दोबारा। मैं कुछ नहीं बोल रहा। देखो तुम्हारा पेशेंट आ गया, तुम अपना कमरे में, मुझे अपना कर दो। बाय। कुछ मुझे तुमसे बात करनी है। ओके बाय। आई वांट टू स्पीक अबाउट इट। बाय। बैठे। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? इस तरह से वेलकम किया जाता है अपने नए बॉस का? अरे मैं तो समझ रहा था कि तुम लोग डिसेंट पढ़े लिखे इंसान हो, लेकिन नहीं, सड़क छाप की तरह बिहेव कर रहे थे और उन्हीं सड़क छाप की तरह धरना देके बैठ गए। कौन था कौन था जिसने बॉस को मारा? कोई भी किसी को जानबूझ के क्यों मारेगा? ओह अच्छा, वो तुम ही हो ना? हाँ जी। नहीं मैं नहीं थी। फिलहाल आप बताएंगे कि मिस्टर बॉस कैसे हैं? इतना कंसर्न शो कर रही हूँ मतलब 100% तुम नहीं मारा होगा। जी नहीं, मैंने किया होता तो मैं उनका हाल पूछती क्यों? गिल्ट, सीधी सी बात है गिल्ट, इसीलिए पूछ रही हो तुम। प्रॉब्लम क्या है? मैंने उन्हें नहीं मारा। वैसे इतनी लड़ाकू लगती नहीं, पर ये काम कैसे किया तुमने? हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे कह चुकी हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो खुद पीछे से किसी का धक्का लगा था इसीलिए मैं। और बस तुमने बॉस को धक्का दे मारा है ना? एनीवे आप बार बार मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी वजह से आज यहाँ सबकी नौकरियां जा रही है। यू नो समथिंग, बॉस ने कहा है कि मैं तुम सब लोगों के खिलाफ केस करूं। What? जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो बैठना सड़क पे धरना देने के लिए। नो सर, नो सर, प्लीज सर, प्लीज सर, नो सर, तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे सर, प्लीज। अच्छा है ना, परमानेंटली जेल में ही रह जा। प्लीज सर कुछ कीजिए, प्लीज सर, प्लीज, सॉरी सर, गलती हो गया सर, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। नो चांस, अब कोई फायदा नहीं। मैं मिस्टर कपूर को बड़े अच्छे से जानता हूं और एक बार वो डिसाइड कर लेते हैं तो फिर वो चेंज नहीं करते। प्लीज प्रिया मैम आप कुछ कीजिए। अरे माधवी मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज तुम हमारे भैया पे सॉरी बोल दो सर से, हो सकता है वो मान जाए। नहीं नहीं वेट 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 वेट, मैंने गलती की नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ, ये मैं आपको बोल चुकी हूँ। और अगर आपको लगता है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि मैं उनसे सॉरी नहीं बोलूंगी। प्लीज प्रिया डोंट बी सेल्फिश, तेरे बात करने से बात बन सकती है,
हम जानते हैं तेरा कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी हमारे लिए प्लीज माफी मांग लो। प्लीज प्लीज मैम, हमारी नौकरी सिर्फ तुम्हारे हाथों में। प्लीज मैम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.